मैं फरजाना खान आपकी होस्ट आज एक बहुत ही सरप्राइजिंग और एक बहुत ही यूनिक गेस्ट हैं हमारे साथ। और मैं खुद भी जब मैंने उनके बारे में सुना तो मुझे माशाल्लाह उनको देखकर अंदाजा ही नहीं हुआ कि ही इज 95 इयर्स ओल्ड यंग माशाल्लाह। आज हमारे साथ डॉक्टर मसाका हैं हमारे स्टूडियो में। मैं उनसे सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि सर आपके नाम जो बहुत यूनिक है तो आपके सर नाम की मीनिंग क्या है, थोड़ा सा अपने नाम के बारे में हमें बताइएगा। जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, दुनिया में हमारे नाम के बाद हमारे वालिद का नाम आता है, बाप के नाम से। जैसे मेरा नाम नासिर था, मेरे वालिद के साथ ये बुटी। आखिरत में इंशाअल्लाह हम माँ के नाम से पुकारा, तो दुनिया में मुझे मेरी माँ के नाम से पुकारा जा रहा हूँ। मेरा नाम है नासिर सलीम और मेरी माँ का नाम है सारा खातून। एन ए से नासिर, एस ए से सलीम, एस ए से सारा, के ए से खातून, नासिर सलीम सारा खातून। ये हो गया नसा का। सर आपका अपना दिया हुआ नाम। सर आपके बारे में जिस तरह हम जानते हैं थोड़ा बहुत कि आप एक ऐसे मर्ज का इलाज करते हैं जो कि नाकाबिले इलाज है और आपके ख्याल से वो एक बीमारी ही नहीं है। और सर एज अ हर्बलिस्ट आप हमें बताना चाहेंगे कि ये जो कैंसर है ये क्या है, इसका इलाज क्या है, इसकी तशखीस क्या है और इसके बारे में और तफसीलात जो हमारे लोग नहीं जानते। सर बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बता दूं कैंसर कोई बीमारी नहीं है। इससे पहले भी मैं किली में आया हूँ, आज से 3-4 साल पहले, उस वक्त भी ये सवाल किया गया था। जो बच्चा दुनिया में आ रहा है, जो बच्चा दुनिया में आ रहा है उसको भी कैंसर है। ये कैसा डॉक्टर है कि जो बच्चा दुनिया में आ रहा है उसको कैंसर कहते हैं। इम्यूनिटी पावर, कुव्वत-ए-मदाफियत, जिसकी कुव्वत-ए-मदाफियत कमजोर होगी उसके ऊपर कैंसर हावी हो जाएगा, ठीक है ना। कैंसर कोई मर्ज नहीं है, कैंसर से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कैंसर कोई लगने वाली बीमारी नहीं है, कैंसर कोई खतरनाक मर्ज नहीं है। मगर उसका इलाज डॉक्टरों के पास बहुत खतरनाक है। केमो दे दो साहब, रेडिएशन दे दो, बायोप्टी कर दो, ये सब कुछ ये खतरनाक है। जितनी रेजेस दी जा रही है, ये गामा रेज है जो हमारी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करती है, अंदर जाती है तो वो सेल को प्रमोट करती है तो वो कैंसर क्रिएट हो जाता है। तो आप जो भी कैंसर वाला अगर डायग्नोज हो गया तो उसे बायोप्सी नहीं कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए। और किसी किस्म की कोई सिटी स्कैन, कोई रेज इनके जिस्म के अंदर नहीं जाना चाहिए। उसका आसान, बहुत आसान इलाज है कि जिसका मैं इलाज कर रहा हूँ जड़ी बूटियों से। सर आपके कहने का मतलब है कि ये जो बायोप्सी की जा रही है आप उसको मतलब कम्प्लीटली जो है उसको उसकी रोकथाम करना चाह रहे हैं और आपके पास जो इलाज है वो एक जड़ी बूटी है। तो क्या सर आप समझते हैं कि लोगों का जो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी है कि जी बायोप्सी है और कीमो है, तो आप कैसे लोगों को इस तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बहुत मुश्किल काम सर। अच्छा सुन लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है, सुन लीजिए। आप एक कैमरा ले लीजिए जो बायोप्सी के लिए आपके जिस्म को किसी हिस्से से, गर्दन से, यहां से कट करके उसे कैमरा अंदर डालते हैं। आप ये देखिए पिज्जा में अरबों खरबों जरासीम वायरस उड़ रहे हैं और इसमें चिपक गए, आपके कैमरे में चिपक गए जो आपको नजर नहीं आ रहा है। आपको कट किया, आपकी बॉडी के अंदर जब डाल दिया तो वो जो वायरस चिपके हुए उसमें वो आपकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर गए हैं, चले गए। वो अपना चैन अलग करेगा, वहां से मास्क निकालेगा, वो अपने लैब में टेस्ट करने के बाद बताएगा कि हाँ अब इनको कैंसर हो गया है। तो अब आप ये देखिए, आपने देखा होगा मैदानों में कहीं देखा होगा, चूंकियां अपना घर बनाती है उसमें जाती आती है और उसमें किसी चीज की अगर वो कोई लकड़ी या कोई चीज ऐसी पड़ जाती है तो इधर इधर वो भाग जाती है। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि वो कैंसर का सेल है, वो मेटास्टेटिक यानी फैल रहा है, किडनी की तरफ जा रहा है, लीवर की तरफ जा रहा है, बोन मैरो में जा रहा है, बोन में जा रहा है, ब्रेन में जा रहा है, ये फैल रहा है। अरे साहब ये तो कैंसर फैल गया,
तो आपके उसे छेड़ा क्यों, छेड़ना नहीं चाहिए, कैंसर को छेड़ो मत। इसका इलाज बहुत आसान है, जो मैं जड़ी बूटियों से उससे करता हूँ, पेड़ पौधों के पत्तों से, फूल से, जड़ से करता हूँ। ये मैं सिखाना चाहता हूँ जो लोगों को नहीं मालूम है, जो 9 साल की उम्र से ये मैं काम कर रहा हूँ। आज हम मैं 94 ईयर्स उम्र हूँ और मैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से हाथ मिलाया, महात्मा गांधी से मिला, वल्लभ भाई पटेल से मिला, और जवाहरलाल नेहरू से मिला, बहुत लोगों से मैं मिला। जब इंडिया मेरे सामने पाकिस्तान बना था उस वक्त मैं जवान था। सर जिस तरह अभी आपने माशाल्लाह अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया कि आप 9 इयर्स के थे एंड नाउ यू आर 94 इयर्स ओल्ड और आपके पास एक ऐसी जड़ी बूटी के इलाज है, सर उसके लिए आपकी क्या प्लानिंग है, आपने क्या सोचा है कि ये जो आपके पास जो चीज है, कहते हैं ना जितना फैलाया जाए उतना वसी किया जाए वो उतना बेहतरीन है, तो आप क्या सोचते हैं, आप इस सारे जो आपको एक क्वालिटी है आपके पास, एक इलाज है, आप उसको कैसे लोगों तक पहुँचाएंगे? हाँ मैं यही चाह रहा हूँ कि अगर, क्योंकि मैंने तो अपना मकान घर दार गाड़ियां सब बेच के अल्लाह की मखलूक के लिए लगा दी, जितने बुजुर्ग दुनिया में आए सबों ने अल्लाह की मखलूक की खिदमत करी, तो मैं भी ये कर रहा हूँ। मैंने अपने मकान अपना घर दार गाड़ियां सब बेच दी, अब तो मैं किराए के मकान पर रहता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, कब लगा दिया और लगा रहा हूँ। तो मेरे को कोई अगर कोई जमीन दे देता है फी सबिलिल्लाह, तो मैं ये पौधे मंगा के लगा दूंगा और उसमें लिख दूंगा कि ये इस मर्ज के लिए, इस कैंसर के लिए, ये इस कैंसर के लिए, ये आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप सब लोगों ने सुना कि डॉक्टर साहब के इतने अजीम इरादे हैं, उनकी इतनी अच्छी सोच है, अपनी सोच को लेकर उन्होंने अपना अपने सारे एक्सपीरियंस अपनी चीजें हमसे शेयर की। डॉक्टर साहब इस काम में अकेले नहीं है, डॉक्टर साहब के साथ इस तरह बहुत सारे नरम गोशा रखने वाले लोग हैं, एक ऐसा जज्बा रखने वाले लोग हैं जो कि बहुत नामी गिरामी और बहुत बड़ी शोहरत के हामिल हैं, शायद उनको अब इस चीज की जरूरत भी नहीं है, मगर वो फिर भी आज डॉक्टर साहब के साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ जावेद मियां दाद साहब की, जो हमारे लीजेंड, हमारे क्रिकेटर, एक शोहरत याफ्ता क्रिकेटर रहे हैं, आज वो हमारे साथ हमारी खुशकिस्मत ही है मौजूद है। सर आप मुझे बताना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब से आपकी मुलाकात कैसे हुई, कब हुई, आप उनको कितना जानते हैं, और जो डॉक्टर साहब ने अपना एक्सपीरियंस बताया उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? माशाल्लाह बहुत अच्छी बात हुई कि जो डॉक्टर साहब ने कहा है वाकई ये रियलिटी है, और अगर किसी ने देखा है तो संडे को, हालांकि किसी एक आदमी तो उसके बच्चे ने, बच्चा बात नहीं करता था, और माशाल्लाह उसने इलाज तो उन्होंने देखे इनको एक जगह यहाँ पर बदर पे लेके, डॉक्टर साहब नर्सरी के पास रहते थे, मैं बहुत पुराना जानता हूँ, माशाल्लाह डॉक्टर साहब का ज्ञान दूसरी फील्ड से, और माशाल्लाह उस फील्ड से मैं डॉक्टर साहब को आना मिला हूँ, देखता रहा हूँ, और जब मैंने देखा कि बाकी इलाज जो है, अब देखें कि डॉक्टर साहब की क्लिनिक में आप जाएंगे, डॉक्टर साहब का भी कुछ नहीं पूछेंगे, आपके हाथ रखवाते हैं एंड देन ही विल सी पिन पॉइंट करके ना पेन से नाखून को देख के ही डायग्नोज एंड ही विल टेल यू स्ट्रेट उसी वक्त आपको बताएंगे आपका क्या है, क्या नहीं, और इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे, और आपको ये हर्बल जो है वो दी भी होती है, और उससे ना माशाल्लाह काफी लोग, यानी कि जो लोग थैलेसीमिया वाले और दूसरे जितने भी, मतलब जो भी मर्ज है वो आपको बता देते हैं, और वो इलाज जो है वो कि ये हर्बल जो आपकी बनी हुई है जितनी, अब डॉक्टर साहब की ख्वाहिश ये है कि लाजिम से वो ये चाहते हैं ये हर्बल की जो जगह मिल जाए ताकि ये खत्म होती जाएगी, इसकी आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मेरी भी थोड़ी बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है डॉक्टर साहब से बचपन से है ये, और डॉक्टर साहब का माशाल्लाह दूसरी रूहानी उससे भी बहुत पीछे से एक ताल्लुक है, और मेरा ताल्लुक जो हुआ था वो दूसरी वजह से ताल्लुक हुआ, और जब मैंने देखा कि ये चीजें अक्सर यहाँ पर डिफेंस में उसके शायद बच्चे ने, बच्चा बात नहीं करता था, ये माशाल्लाह तो उन्होंने जगह लेके कि डॉक्टर साहब आप यहाँ भी करें, तो डॉक्टर साहब 2 दिन शायद है ना यहाँ बदर कमर्शियल पे आते हैं, और 2-3 दिन 9 साल वक्त की, मगर
मैंने भी बड़ी कोशिश की, मैं भी ट्राई करता हूँ कि काश डॉक्टर साहब को कोई भी फीसबिल्ला एक जगह दे दे जहां डॉक्टर साहब ये प्लांट करना चाहते, क्योंकि ये हर्बल है, अगर हर्बल नहीं होगी तो हो सकता है कि ये इलाज जो है वो आगे बढ़ नहीं सकता, चल नहीं सकता। सर जैसे कि हम बात कर रहे हैं एक ऐसी सेंसिटिव इशू के ऊपर, एक ऐसी बीमारी के ऊपर जो कि बहुत ही कॉमन हो गई है और बहुत ज्यादा हमें अपनी सोसाइटी में नजर आती है, लेकिन डॉक्टर साहब ने बहुत ही इजीली उसको ब्रीफ किया और बताया कि जिसका तो बहुत ही आसान और हर्बल इलाज भी है। तो सर मैंने ये सवाल डॉक्टर साहब से भी किया, मैं आपसे भी कर रही हूँ कि क्या कुछ ऐसे केसेस सामने आए हैं जो इसे ट्रीट होने के बाद बेहतर हुए हैं? इसमें एक मैं बात जरूर कह रहा, आज तो नहीं हुआ तो पांच हुए, आज से 40 साल पहले 30 साल पहले ये बीमारी तो होती होगी, मगर पता नहीं थी और लोग क्योर होते थे। तो ये सर मेंटली मैं जा रहा हूँ, मैं अपने दिमाग से ये सोचता हूँ कि यार उस वक्त भी तो लोग सही होते थे और उस वक्त हिम्मत थी, उस वक्त लोग देख के बता देते थे, नर्व देख के ना बता देते थे, हर चीज चल रही थी। आई एम नॉट अगेंस्ट डॉक्टर या प्लीज मुझे वो कोर्ट ना करें और माइंड ना करें, मगर आज अगर मैं किसी से पूछना चाहूँ कि 40 साल पहले 50 साल पहले लोग बीमार होते थे, हर चीज होती थी, कोई पूछ देता था हालांकि हमारे माँ बाप और माँ बाप के माँ बाप जो है वो दौर जो था वो तो ये था ही नहीं, मगर डॉक्टर साहब का कहना ये ठीक है कि एक चीज को अगर आप कहीं पर भी उसको छुरी या काट देंगे तो उसके चांसेस नीचे की तरफ ही होंगे, उसे उसने ग्रो के ठीक तो नहीं होना। अगर आज आप मेरे यहाँ कहेंगे लाजी बात है कि वो चल किसी बन जाएगी, फिर कुछ और हो जाएगा, फिर कुछ हो जाएगा, तो पहले दौर की बात यही थी कि इसीलिए कि जो भी होता था तो वो तो उसमें यह था ठीक भी होते थे, कुछ परसेंटेज नहीं भी होती थी, जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, मगर जो अगर हम सही मायनों में सोचें तो इलाज उस वक्त भी होते थे, उस वक्त भी बड़े बड़े डॉक्टर थे, हो सकता है आज की तरह टेक्नोलॉजी नहीं थी, मगर फिर भी जो लोग हैं अक्सर लोगों की जो Oh